मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हमारे चैनल आईटीआई फीटर एम के माध्यम से ड्रिल गेज के बारे में बताया जाएगा कि ड्रिल गेज क्या है। तो ये जो चित्र देख रहे हैं इसी को हम ड्रिल गेज बोलते हैं और इसका प्रयोग जो ड्रिल होता है उसका साइज मालूम करने के लिए किया जाता है। ड्रिल गेज एक आयताकार अथवा वर्गाकार धातु का टुकड़ा होता है जिसमें कई अलग अलग व्यास के होल होते हैं। तो यहां हम देख रहे हैं यह एक आयताकार या वर्गाकार धातु का टुकड़ा है जिसमें अलग अलग साइज के कई होल होते हैं, इसी को हम ड्रिल गेज बोलते हैं। तो ये जो देख रहे हैं यह ड्रिल गेज है। तो ड्रिल गेज एक आयताकार अथवा वर्गाकार धातु का टुकड़ा होता है। तो ये जो देख रहे हैं एक आयताकार या वर्गाकार धातु का टुकड़ा है जिसमें कई अलग अलग व्यास के होल होते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कई अलग अलग व्यास मतलब डायमीटर के इसमें होल बने होते हैं। होल का आकार प्रत्येक होल के पास अंकित होता है। तो ये जो होल है तो वह किस साइज का है वह उसके जस्ट बगल में अंकित है। जैसे यहां हम देख रहे हैं यह होल है तो इसके जस्ट बगल में अंकित है 5.5, मतलब इस होल का साइज है 5.5 mm। होल का आकार प्रत्येक होल के पास अंकित होता है। तो यहां हम देख रहे हैं, देखिए ये जो होल है तो किस साइज का होल है इसके बगल में अंकित होता है। तो ये देखिए प्रत्येक होल के पास होल का साइज अंकित होता है और फिर इसका मुख्य रूप से काम होता है। ये जो ड्रिल देख रहे हैं तो ड्रिल किस साइज का है इसे अगर तुरंत मालूम करना होता है तो ड्रिल गेज लेते हैं और इस ड्रिल को प्रत्येक होल में सेट करके देखते हैं। तो यहां हम देख रहे हैं इसमें सेट नहीं हो रहा, यह ढीला है, ये भी ढीला है और देखिए ये भी ढीला है, फिर ये देख रहे हैं कि एकदम एक्यूरेट है मतलब। और फिर इसके बगल में जो मार्किंग किया हुआ है तो यहां देखिए तो यहां हम देख रहे हैं 6.5, मतलब ये जो ड्रिल है इसका साइज 6.5 mm है। और अब हम इस ड्रिल के द्वारा इस जॉब में होल कर सकते हैं, मतलब कि इस जॉब में हमें 6.5 mm का ड्रिल करना है तो अब हम इसके द्वारा इसमें ड्रिल कर सकते हैं। तो यहां हम देख रहे हैं ड्रिल के द्वारा इस बर्थ पीस पे होल को कंप्लीट किया गया है। तो यहां जो ये ड्रिल गेज है तो ड्रिल गेज का मुख्य रूप से काम हुआ जो यह ड्रिल है तो ड्रिल के साइज को मालूम करने के लिए ड्रिल गेज का प्रयोग किया जाता है। नंबर ड्रिल एमएम अच्छा ड्रिल सीरीज में ड्रिल का व्यास संबंधित ड्रिल गेज से मापा जाता है। तो यहां हम देख रहे हैं कि दो प्रकार का ड्रिल है, एक है नंबर ड्रिल और एक है लेटर ड्रिल। तो हम पहले जानते हैं कि जो ड्रिल होता है उसपे जो मार्किंग होता है वह तीन तरह का होता है। एक होता है मानक में, स्टैंडर्ड मान्य में, जैसे कि 3 mm, 3.5 mm, 6 mm, 6.5 mm, और एक होता है नंबर ड्रिल और एक होता है लेटर ड्रिल। तो ये दोनों ड्रिल का जो साइज होता है वह हमेशा विषम में होता है, जैसे 5.732, 6.132 mm, इस तरह का। तो
इस दोनों ड्रिल का साइज मालूम करने के लिए हम इसी गेज का प्रयोग करते हैं। जैसे ये जो नंबर है तो हम जो ड्रिल गेज प्रयोग करेंगे वह नंबर ड्रिल साइज गेज का प्रयोग करेंगे, और ये जो लेटर टाइप ड्रिल है तो इसका साइज मालूम करने के लिए हम लेटर टाइप ड्रिल गेज का प्रयोग करके इस दोनों ड्रिल का साइज मालूम करेंगे। यहां हम दो प्रकार का ड्रिल देख रहे हैं, एक है नंबर ड्रिल और एक है लेटर ड्रिल। तो यहां हम देख रहे हैं यह लेटर टाइप का ड्रिल है, बाई लेटर ड्रिल, ये बाई लेटर ड्रिल है और ये नंबर दो ड्रिल है, और इसका साइज हम इससे संबंधित ड्रिल गेज के द्वारा चेक करते हैं। तो यहां हम देख रहे हैं नंबर ड्रिल साइज गेज है, तो ये जो गेज है नंबर ड्रिल साइज गेज है, और ये जो देख रहे हैं तो यह लेटर ड्रिल साइज गेज है। तो ये जो नंबर ड्रिल है तो इसका साइज मालूम करने के लिए नंबर ड्रिल साइज गेज का प्रयोग करते हैं। तो अब हम इस ड्रिल को प्रत्येक होल में सेट करते हैं, तो ये देख रहे हैं नहीं हो रहा है, और फिर ये देखिए इसमें यह सेट हो रहा है। तो इसका साइज तो गौर से देखने पे नंबर दो, तो नंबर दो ड्रिल का साइज है 5.613 mm, मतलब ये जो ड्रिल है इसका साइज है 5.613 mm। ये जो ड्रिल देख रहे हैं यह लेटर टाइप ड्रिल है, तो इसका साइज हम लेटर ड्रिल साइज गेज के द्वारा मालूम करते हैं। तो इसके लिए यहां हम देख रहे हैं प्रत्येक होल में इसे सेट करते हैं, नहीं हो रहा तो ये देखिए, तो यहां जब हम देख रहे हैं इसमें सेट हो रहा है, तो इसका साइज, तो यहां हम देख रहे हैं कौन सा लेटर है, बाई, तो इसका मान कितना है 10.262, मतलब ये जो ड्रिल है इसका साइज है 10.262 mm। तो यहां यही चीज बोला जा रहा है कि नंबर ड्रिल और लेटर ड्रिल सीरीज में ड्रिल का व्यास संबंधित, ये जो संबंधित ड्रिल गेज से मापा जाता है।